नमस्कार, MP24 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। अब बात करते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी की, जो शुक्रवार को मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर आ रहे हैं। वे 4 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार करेंगे। चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया वे मध्याह्न 12 बजे देवरी में पहुंचेंगे और वहां कांग्रेस प्रत्याशी हर्ष यादव की सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे सिवनी जिले में बरघाट विधानसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी अर्जुन सिंह काकोड़िया की चुनावी सभा में राहुल गांधी के साथ शामिल होंगे और 3:30 बजे मंडला में संजीव उइके की सभा को संबोधित करेंगे। इसी दिन शाम 5:30 बजे शहडोल जिले के जयसिंह नगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार ध्यान सिंह की चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे दिल्ली रवाना हो जाएंगे। आइए अब देखते हैं हमारे संवाददाता संजय काड़े की रिपोर्ट। जगह खड़े हैं, आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो गाड़ियां खड़ी हैं और एक बस खड़ी आप देख रहे हैं, इसमें फोर्स नागपुर और बाहर से भी यहां पर पुलिस फोर्स पहुंचा है व्यवस्था संभालने के लिए, और IB और LIB भी अपनी पूरी व्यवस्था के साथ मुस्तैद नजर आ रही है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ राजीव गांधी स्टेडियम बरघाट में, जहाँ कल राहुल गांधी जी का आगमन हो रहा है। वो मेरे साथ कुछ कांग्रेस कमेटी के और कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि यहाँ की व्यवस्था किस प्रकार आप लोग कर रहे हैं, कितने लोग कल इस कार्यक्रम में। कांग्रेस कमेटी के नगर अध्यक्ष ऋषभ जायसवाल, हम इनसे भी कुछ सवाल जवाब करेंगे। बताइए ऋषभ जी, क्या व्यवस्था, किस टाइप का कार्यक्रम आयोजित किया आपने कल? राहुल गांधी जी के बरघाट आगमन को लेकर नगर में सतत जनसंपर्क जारी है। घर घर जाके लोगों को राहुल गांधी जी की सभा के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। वहीं क्षेत्र में भी कांग्रेस कार्यकर्ता हर गांव हर बूथ में जाकर राहुल गांधी की सभा के लिए कार्यकर्ताओं आम नागरिकों को आमंत्रित कर रहे हैं, ताकि ये स्वर्णिम अवसर है, राहुल जी बरघाट आ रहे हैं, आम जनता उनकी सभा का लाभ ले सके। राहुल जी के मार्गदर्शन में पूरे मध्य प्रदेश में इस बार सरकार को बदलने की जो तैयारी की जा रही है और एक माहौल बना हुआ है, और निश्चित ही इस बार मध्य प्रदेश में राहुल जी के निर्देशन में एवं कमलनाथ जी के और जिला कांग्रेस कमेटी और नगर कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और चारों विधानसभाओं को इस बार निश्चित रूप से जीत रहे हैं और भरोसे के साथ जीत रहे हैं। राहिद खान, आप क्या हैं कांग्रेस कमेटी में? कांग्रेस कमेटी में जिला उपाध्यक्ष, यहाँ के प्रभारी बताया जा रहा है। हाँ, यहाँ का काम देख रहा हूँ पप्पू भाई के साथ, पप्पू भैया जिला कमेटी अध्यक्ष के साथ में। तो कल कितनी पब्लिक आने की संभावना, आपको कैसा लग रहा है इस क्षेत्र की? हमारा तो मानना ही है कि 50 से 60 हज़ार पब्लिक आएगी और हमारा कार्यक्रम बहुत ही सक्सेस रहेगा और लगभग हम 25 से 30 हज़ार वोटों से ज़्यादा वोटों से अर्जुन भाई को जीत पाएंगे। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे बीच में विधानसभा के प्रभारी हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। आपका नाम बताइए। सुरेंद्र जायसवाल जी, बताइए राहुल गांधी जी को आपने जो बरघाट बुलाया है, इसमें क्या क्या मतलब आपका करना चाह रहे हैं, मतलब कितना करेंगे? पूरे मध्य प्रदेश में बदलाव की बयार चल रही है और हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे राष्ट्रनेता राहुल गांधी जी को कि उन्होंने इस आदिवासी क्षेत्र को अपनी मध्य प्रदेश की पहली सभा के लिए चुना, और निश्चित रूप से बरघाट विधानसभा तो कांग्रेस जीती रही है, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनना सुनिश्चित है। हम राहुल गांधी जी का कोटि कोटि आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने बरघाट से अपनी प्रथम चुनावी सभा का आगाज किया है और कल लगभग 50 हज़ार से 60 हज़ार लोग यहाँ, पूरे जिले के ही नहीं बालाघाट छिंदवाड़ा मंडला जिले के लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं और भारी जनसंख्या में विशाल आम सभा यहाँ सम्पन्न होगी। इस बार उम्मीद पूरी है आपके प्रत्याशी जीतेगा? उम्मीद नहीं, भरोसा है कि कांग्रेस तो यहाँ बरघाट से जीते रही है, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनना सुनिश्चित। आप जो देख रहे हैं कि स्टेज बन रहा है मेरे पीछे, कल राहुल गांधी यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी के प्रभारी ने जो जानकारी में बताया कि कल राहुल गांधी जी का आगमन कल बरघाट में हो रहा है, और जैसा बताया जा रहा है कि 40 से 50 हज़ार जनसंख्या में यहाँ पर पब्लिक रहेगी। अब ये देखना है कि ऊँट किस करवट बैठेगा बरघाट विधानसभा में, ये सबसे बड़ा सवाल है। इनका मानना है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और चारों विधानसभा सीट सिवनी जिले की कांग्रेस की झोली में आएगी, ऐसा माना जा रहा है। अखिलेश पवार कैमरामैन के साथ संजय गाड़े, MP24 न्यूज़ बरघाट।